गुजरात के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी की जीत में भी कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्हें हराने के लिए कांग्रेस ने भरपूर जोर लगाया है, लेकिन बावजूद इसके वो विधायक अपना परचम लहराने में कामयाब रहे हैं। ऐसे ही एक विधायक है मधु श्रीवास्तव। मधु श्रीवास्तव ने बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली वडोदरा की वाघोड़िया सीट से जीत हासिल की है, लेकिन मध्य गुजरात की सीट को हथियाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया था। बावजूद इसके बीजेपी के इस किले को कांग्रेस भेद नहीं सकी। गुजरात की राजनीति में मधु श्रीवास्तव के लिए कहा जाता है कि इन्होंने एक नहीं बल्कि तीन मुख्यमंत्रियों और उनकी पार्टियों को गुजरात में सरकार बनाने में मदद की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कभी रेलवे ड्राइवर रहे मधु ने 1997 में सबसे पहले शंकर सिंह वघेला को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ा रोल अदा किया, बाद में केशुभाई पटेल और फिर नरेंद्र मोदी को उन्होंने सीएम बनाने में समर्थन दिया। अपनी बाहुबली छवि के लिए मशहूर मधु श्रीवास्तव का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। इससे पहले 2002 के बेस्ट बेकरी केस के वक्त वो काफी सुर्खियों में आए थे। वैसे आपको बता दें कि राजनीति के अलावा मधु एक्टिंग और सिंगिंग का भी शौक रखते हैं। वो कई गुजराती फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। हाल ही में उनकी नई फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का रोल निभा रहे हैं। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।